तरक्की को मतलब हमारी देश में हर समस्या का कारण इतिहास के पन्नों में खोज लिया जाए, आप ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। पर एक मिनट मैंने आपको बहुत टाइम दिया, विपक्षी के स्क्रीन पर एक मिनट। आपसे मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, तो अपनी बगले मत झांकिए, सवाल के जवाब दीजिए। नौकरी की बात होगी, आप मुद्रा लोन की बात करने लगेंगे, आप ईपीएफओ की बात करने लगेंगे, फिर नौकरी में पकौड़ा तलना पान बनाना भी जोड़ देंगे। आंकड़े नहीं देते प्रेम भाई आप। हम अक्सर यही बात करते हैं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, पर गोदी मीडिया के अलावा भी कुछ पत्रकार हैं जो आज भी सरकार से खुल के सवाल कर रहे हैं, और वह भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की, और उनकी वह डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को तीखे सवालों से परेशान किया। न्यूज 24 पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डिबेट हुई। एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी नेता से गिरती अर्थव्यवस्था पर सवाल किए, और बीजेपी नेता अपने जवाब में वही पुराने आंकड़े बताने लगे जिस पर संदीप ने उन्हें टोक दिया। अभी तो अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन ये मंदी के साथ महंगाई की मार, 7.34% की महंगाई दर, और सब्जियों की 21% के करीब, दालों की 15% के करीब, जब धंधा ही नहीं चल रहा, जब मांग नहीं है, तो ये महंगाई ऐसे इतना सर क्यों उठा रही है? कि 2010 में जब बांग्लादेश ने यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और हमने आसियान कंट्रीज से किया, जिससे हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री को मतलब हमारी देश में हर समस्या का कारण इतिहास के पन्नों में खोज लिया जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, एक और संदीप जी पूरी बात अभी सुन लीजिए। ये सारे 20-30 साल से कांग्रेस से दबा के रखे हुए तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। महंगाई के मुद्दे पर आ जाएं। महंगाई पर आप इतने आंदोलित हुआ करते थे, कहते थे, अब कहते थे कि देखिए महंगाई हमने कम कर रखी है। महंगाई अगर डिमांड नहीं होगी, कमी होनी चाहिए, पर यहाँ डिमांड नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। न्यूज 24 पर CAA NRC के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप ने CAA NRC को लागू करने को लेकर सवाल किए, जिस पर वह बात को गोलमोल करते दिखे, जिसके बाद संदीप ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा? घुसपैठियों को नागरिकता दे दी जाए क्या? मैं यहाँ 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग में से कोई एक व्यक्ति बता दे। मैं बोलता हूँ सीना ठोक करके घुसपैठियों को, जो इस देश में इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठिया है, उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी बात, राजीव प्रताप रूडी जी ने क्या कहा? अभी तय तो हुआ नहीं है। राजीव प्रताप रूडी के बयान पर एक मिनट, राजीव प्रताप रूडी का भी बयान, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, पूरी बात सुनूंगा आपकी। बिल्कुल, मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। राजीव प्रताप रूडी जी से पूछा गया कि आपको योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे क्या कहना है, तो राजीव प्रताप रूडी जी ने बिल्कुल सही कहा, बिहार से निकाल के वो जाके मसाला फैलाएगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। पर एक मिनट मैंने आपको बहुत टाइम दिया, विपक्षी के स्क्रीन पर एक मिनट, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। स्क्रीन पर संबित, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, अब एक मिनट रुकिए। सब्जियों के दाम महंगे होने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से बढ़ती महंगाई पर सवाल किए, जिस पर वह एक बात बार बार दोहराते दिखे, जिस पर संदीप ने उन्हें बीच में टोका। इसके बाद बीजेपी नेता संदीप को कांग्रेसी बताने लगे। सब्जियों के दाम ये तो हर साल होता है, हर साल ऐसा होता है, देखिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ना, 21% महंगाई, ये पिछले साल की तुलना में 21% बढ़ी है, तो पिछले साल भी बेमौसम बरसात होती थी, 100 रुपए की सब्जी 121 रुपए की हो गई। संजू, आप मुझसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जानती हैं, अर्थशास्त्र जानती हैं, वो ठीक है। आप मोदी सरकार, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये मैं मानती हूँ। आप आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, गलत बयान मत दीजिए। आपसे मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, तो अपनी बगले मत झांकिए, सवाल के जवाब दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। महंगाई दर ईयर ऑन ईयर बेसिस कैलकुलेट होती है संजू वर्मा, पिछले साल के मुकाबले 21% दाम बढ़ गए। नौकरियों के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से नौकरी के वादे को लेकर सवाल किए, जिसके बाद वे कुछ आंकड़े देते दिखे, जिस पर संदीप ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी ना करने को लेकर टोका। प्रेम शुक्ला, आप और JDU सेम पेज पर नहीं थे नौकरी के मुद्दे पर? लेकिन JDU ने कोई विरोध नहीं किया ना,
नहीं वो तो कहते रहे ना ये हवा में से आएंगे क्या, बहका रहे हैं लोगों को। 19 लाख नौकरियां किसके नेतृत्व में देगी? वो कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में देगी। भाई हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी कौन? तो हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी आदरणीय नीतीश कुमार जी। नहीं नहीं देखिए प्रेम शुक्ला एक बात समझिए, आपने कहा कि अच्छा है ये सकारात्मक है कि जात पात से ऊपर उठकर नौकरियों पर बात आ गई, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां जो आप सृजित करने वाले थे तो 12 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में आप आंकड़ा नहीं देते, रोजगार का कोई आंकड़ा सरकार देने को तैयार नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जिसको नौकरी देगा उसी को कंट्रीब्यूट करेगा, उसी का फंड का कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं आप आंकड़ा नहीं बताते, ये गोल गोल घुमाने लगते हैं। नौकरी की बात होगी आप मुद्रा लोन की बात करने लगेंगे, आप ईपीएफओ की बात करने लगेंगे, फिर नौकरी में पकौड़ा तलना पान बनाना भी जोड़ देंगे। आंकड़े नहीं देते प्रेम भाई आप। न्यूज 24 पर महंगाई के मुद्दे पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में बीजेपी नेता कांग्रेस पर दोष लगाते दिखे। ऐसा करने पर संदीप ने उन्हें टोक दिया। प्याज के दाम और चीजों के दाम बढ़ते थे, कंज्यूमर को महंगे मिलते थे, लेकिन उसका फायदा किसानों को या उपज करने वालों को नहीं होता था। अच्छा। सारा कांग्रेस के और उनके बिचौलिए खा जाते थे। वह पूरी सप्लाई चेन में जो गैप था, जो उस गैप को भ्रष्टाचारी और जो होर्डिंग वाले लोग थे, काले बाजारी वाले, वह सब खा जाते थे। अच्छा, इस बार काला बाजारी वाले नहीं खा रहे, इस बार किसानों को ये दाम मिल रहे हैं, मतलब आलू अगर आप बोएंगे तो 60 रुपए मिल जाएंगे किसान को। नहीं नहीं आप जंप मत करिए मेरी बात पे, मुझे मुझे क्या कहना है वो मुझे कहने दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहता हूँ आप मत बताइए, पूरी बात समझ लीजिए। एक तो वो बिचौलियों की समस्या थी। अच्छा। क्यों आपने सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया? तो यह सारे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ना। अच्छा, इन्होंने लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं ये, मतलब लॉन्ग टर्म अभी 6 साल में आप रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं इसीलिए ये दाम बढ़ रहे हैं और काला बाजारी नहीं हो रही। अगर गोदी मीडिया भी ऐसे ही सरकार से सवाल करे तो खैर, हम उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया अपनी नींद से जागेगा और सरकार से असल सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।